नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टोनी मिनाटी चैनल एंड आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नूबिया का Z20। जी हाँ दोस्तों, नूबिया ने पिछले काफी समय में काफी अच्छे और बेहतरीन फोन निकाले हैं, जिसमें से एक उनका था नूबिया का रेड मैजिक 3 जो कि काफी बेहतरीन गेमिंग फोन था, परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा था। तो अब नूबिया अपने लेकर आने वाला है नूबिया Z20 जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है। OnePlus 7 Pro एंड Redmi K20 Pro को ये टक्कर देने वाला बराबर का फोन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज इस फोन के बारे में जानते हैं, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नूबिया पिछले काफी समय से बेहतरीन स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। मुझे उनका नूबिया रेड मैजिक 3 काफी बढ़िया स्मार्टफोन लगा था गेमिंग के लिए और दूसरे कामों के लिए भी। तो अब नूबिया लेकर आया है Z20। तो अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.4 इंच की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन डिस्प्ले होने वाली है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, बात करें इसमें जो OS आपको मिलने वाला है वो एंड्रॉइड 9.0 पाई मिलेगा एंड बहुत ही जल्दी क्यू का अपडेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 855 एंड 855 प्लस के दोनों प्रोसेसर में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें इसके वेरिएंट की रैम एंड रोम की, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 12GB रैम एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो रैम एंड रोम में भी कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, 12GB तक की रैम यहाँ पर कंपनी ने दी है। तो परफॉर्मेंस में भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। एंड दोस्तों, डिस्प्ले की एक और बात, जो डिस्प्ले होने वाली है वो कर्व डिस्प्ले होने वाली है, उसके जो एजेस है वो कर्व है सैमसंग गैलेक्सी Note 9, Note 10 की तरह। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोस्तों, अगर बात करें इसमें सभी तरह के सेंसर्स की, तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बाकी जायरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, ये सब आपको सभी तरह के सेंसर्स आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर 4000mAh की बैटरी कंपनी ने दी है एंड साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, Type-C चार्जिंग पोर्ट है। तो किसी भी तरीके से इस स्मार्टफोन में कोई भी कमी नहीं है। एंड गाइस, सबसे मेन चीज़ तो रह गई कैमरास। कैमरास के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो लीक्स निकल कर आए हैं, यहाँ पर आपको 48 या फिर 64 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है उसका मेन सेंसर देखने को मिल सकता है एंड ट्रिपल रियर कैमरा यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जो दो कैमरा है वो शायद अल्ट्रा वाइड सेंसर या और डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकते हैं। एंड दोस्तों, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 16 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल तक का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी के साथ। और इसका प्राइस भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, 30,000 से लेकर 35,000 तक की स्मार्टफोन की प्राइस है एंड पूरा खचाखच परफॉर्मेंस से भरा है, कोने कोने में बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की अपने स्मार्टफोन में कोई कमी नहीं लगेगी कि मेरा स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के मामले में ओल्ड है। जी हाँ गाइस, तो आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।